तो अगर कोई बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में है, फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी हॉरिजॉन्टली ऐसे मूव कर रही है, जैसे एक स्टोन है विद अ मास एम, और ये इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वी। तो क्योंकि टॉपिक का नाम क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो स्पीड, मैं स्पीड वर्ड यूज करना चाह रहा हूं क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन का चक्कर ही नहीं है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर ये मास एम सर्कल में घूम रहा है और मैंने ये स्टोन है मान लो, एक रस्सी है और ये सेंटर है, ये सर्कल में घूम रहा है हॉरिजॉन्टल, तो रस्सी टाइट हो जाएगी और रस्सी में क्या आ जाएगी, टेंशन टी। तो टेंशन टी एंड टेंशन टी, ये ड्रॉ कर लें प्लीज फॉर्मूला रजिस्टर में, टेंशन टी एंड टेंशन टी, ठीक है यहाँ तक। अब टेंशन टी एंड टेंशन टी, अब क्योंकि मास सर्कल में घूम रहा है तो मास के पास कौन सी फोर्स होनी जरूरी है, सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर की तरफ। इस मास पे अगर इस मास का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, टेंशन। तो टेंशन ही प्रोवाइड करेगी इसको सेंट्रिपिटल, एम वी स्क्वेयर बाय आर, ये नोट कर लें। हॉरिजॉन्टल मोशन में टेंशन सेंट्रिपिटल की तरह एक्ट करती है, या तो ये फॉर्मूला लगेगा या फिर ये फॉर्मूला लगेगा, एम आर ओमेगा का स्क्वायर, टेंशन इज एम वी स्क्वेयर बाय आर, या टेंशन इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब ये डिपेंड करता है, कोई न्यूमेरिकल में स्पीड दी होती है, आर गिवन होता है, तो आप टेंशन को पुट करें एम वी स्क्वायर बाय आर, किसी न्यूमेरिकल में ओमेगा या फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, स्पेशली फ्रीक्वेंसीज गिवन होती हैं एफ, आप ओमेगा निकाल लें 2.2 फ्रीक्वेंसी, आप यहां पुट करके टेंशन की वैल्यू निकाल लें। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कभी भी हॉरिजॉन्टल मोशन आएगा, पत्थर घूम रहा होगा हॉरिजॉन्टल मोशन में स्ट्रिंग के साथ, तो टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला एप्लीकेबल है।